तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो आज जो एक न्यू वीडियो के साथ आप सब यार आज की वीडियो का कंपैरिजन देख रहे हो भाई। छुटकू आईफोन वर्सेस बड़ा आईपैड, मतलब कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका और बड़ा पैकेट बड़ा धमाका। ये बड़ा पैकेट छोटा धमाका नहीं है, ये भी बड़ा पैकेट बड़ा धमाका है और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो आज की वीडियो में दोनों ही का कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये है अपना आईफोन SE 2020 और ये है अपना आईपैड 8th जनरेशन, जिसकी मैंने अभी वीडियोस बनाई है काफ़ी सारी। तो मैंने सोचा कि इन दोनों का कंपैरिजन क्यों ना करके देख लिया जाए। इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलता है एप्पल का A12 बायोनिक और यहाँ पे आईफोन SE 2020 के अंदर आपको मिलता है एप्पल का A13 बायोनिक, मतलब कि छोटा है पर आ गया भाई बहुत। तो सबसे पहले तो दोनों ही जो अपने आईपैड और आईफोन SE की है, स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आईपैड की जो भी सारी आपको स्पेसिफिकेशंस और प्राइस वगैरह वो सारी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, तो आप देख सकते हो कि भाई क्या सीन है सारा। और उसके बाद अगर करें अपन आईफोन SE 2020 की छुटकू की, तो इसकी भी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो भाई, ये भी सारी आपको दिख जाएगी, प्राइस वगैरह भी दिख जाएगा यहाँ पे आपको। और भाई एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अगर भाई आपको ये वाला कवर पसंद आ रहा है तो यार मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग वैसे पूछने वाले हैं कि भाई कवर कौन सा, कवर कौन सा है। तो अगर कवर से रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हो कि कवर कहाँ से लिया, कितने का लिया, क्या सीन है सारा, तो आप मेरे भाई के यूट्यूब चैनल के ऊपर यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो कवर वाली। एक यहाँ पे मेरे पास वन प्लस नॉर्ड का भी है, देख सकते हो वन प्लस नॉर्ड क्या लग रहा है, कमाल का भाई, ट्रांसपेरेंट वाला है, कैमो वैमो फिनिश वाले सारे आते हैं आईफोन SE। और भाई पूरा ड्रॉप टेस्टेड है यार, कहीं से भी फेंको फोन कुछ नहीं होने वाला भाई, बिल्कुल तगड़ी प्रोटेक्शन है भाई। तो भाई ये कवरों में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर से एक बार मेरे भाई के चैनल चेक कर लेना, गीक अभिषेक यूट्यूब चैनल। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कवर आपको अगर खरीदने वरीदने हो तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई देखते हैं एप्पल के A12 और A13 के अंदर कितना फर्क आपको देखने को मिलता है गेमिंग के अंदर। तो भाई आप देख सकते हो मैंने दोनों के सिमिलर वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट करा हुआ, दोनों की ब्राइटनेस वॉल्यूम सब 100% मैंने करा हुआ, दोनों को 100% चार्ज करा हुआ है। अभी यार दोनों के ही अंदर अपन पबजी चालू करके देखेंगे और देखते हैं भाई कौन सा फोन पहले, फोन तो नहीं कह रही है, कौन सा आईपैड या फोन पहले गेम को चालू करता है। तो 3 2 1 एंड गो, एक साथ चालू करिए भाई, काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है ये सब। हमारे छुटकू भाई साहब काफी ज्यादा तेजी में थे और भाई क्या तेजी में गेम चालू करी है इनने। आईफोन SE देखने में छोटा है, बाकी भाई है बड़ा कमाल का। बाकी अगर आप सबसे पहले इसकी दोनों की सेटिंग्स की बात करें, तो हमारा आईफोन SE 2020 जो है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे गेम को चलाता है, यहाँ पे आईपैड भी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे गेम को चलाता है और बैलेंस प्लस एक्सट्रीम पे दोनों ही यहाँ पे चला देते हैं गेम को। और उसके बाद बात करें अगर HD की, तो HD पे आते ही हमारा जो आईपैड है वो यार अल्ट्रा पे आ जाता है, मतलब कि 40 FPS पे जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है यार, यहाँ पे HD पे आपको एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिलता है भाई। और उसके बाद बात करें HDR पे अल्ट्रा पे भी चला देता है और ये HDR पे भी एक्सट्रीम पे ही चलाता है भाई। और उसके बाद बात करें अल्ट्रा HD की, तो अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा पे गेम चलाता है, ये भी अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा पे चलाता है। तो जो मैक्स सेटिंग है वो दोनों की सेम है अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा की, बस ये HDR तक एक्सट्रीम पे चला देता है और ये HDR पे अल्ट्रा पे ही चलाता है। तो दोनों की मैक्स सेटिंग ये है अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा की और दोनों ही स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे चला देते हैं। तो यहाँ पे पहला राउंड का विनर क्लियरली यहाँ पे अपना आईफोन SE निकल के आता है। अभी हम दोनों को ही सेव कर देते हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे, एंड के एक दो मैच जो अरिना के हम खेल लेंगे वो हाई सेटिंग पे खेल के देख लेंगे भाई दोनों ही के अंदर। तो भाई अभी सबसे पहला मैच जो खेलने वाले हैं वो खेलने वाले हैं आईपैड के ही अंदर, और एक अरिना का मैच खेलेंगे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे। मैं फटाफट से स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर देता हूँ, स्टॉप वॉच स्टार्ट, पीछे आईफोन SE पड़ा है उसमें भी गेम चालू है। बहुत तगड़ी चला रहा है भाई गेम, कहाँ भैया कहाँ। अरे वाह बहुत हार्ड बेटे, पूरा मैच खेला कहीं पे फ्रेम ड्रॉप नाम की कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल जहर चला रहा है गेम। ओ भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ ही खेल रहा हूँ मैं, लाउड तो इसके स्पीकर भी है भाई काफी। Nice!
जीत गए भाई 19 मार दी भाई इसे मैंने छोटे से में। भाई आईपैड से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस चला रही है छुटकू, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है यार इसकी। तो भाई अभी रेंगल का ही मैं स्टार्ट कर रहा है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे ही। एक नॉक जी भाई साहब कहाँ भागे पड़े हैं। अरे बाबा फ्लेयर अरे ऐसी तैसी कर दी यार, अपना बंदा भी इतनी दूर है। हो गया भाई इसके अंदर भी एक मैच। चलो तो भाई अगला मैच इसमें खेलने वाले अपन आईफोन एसी के अंदर। क्या गुंडा बनेगा थे तू। मैं जा रहा हूँ भाई फुल चौड़ में और अपार्टमेंट में हैं बंदे। पढ़ नहीं थे भाई यहाँ तो चटना निश्चित था निश्चित। अभी तो भाई हमको 44 मिनट हो गए हैं और अगला मैच आईपैड के अंदर करने वाले हैं। और अब क्या करने वाला है कि हाई सेटिंग पे करने वाले हैं एकदम। तो भाई सबसे पहले तो इसकी हाई सेटिंग पे चल लेते हैं, ग्राफिक सेटिंग जो इसकी हाई है एकदम, अल्ट्रा एचडी प्लस अल्ट्रा की सेटिंग है। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं भाई, अब देखते हैं लैग होता है कि नहीं। लैग तो भाई अभी भी कुछ नहीं है। तो भाई जीत ही गए तुम, कहीं पे कोई लैग देखने को मिला, घंटा नहीं मिला भाई। अभी भाई सबसे पहले तो बढ़ाते हैं इसकी भी सेटिंग, अल्ट्रा एच डी प्लस अल्ट्रा करते हैं इसको भी और स्टार्ट करते हैं। अब भाई इसकी सेटिंग तो मेरे को उससे भी तगड़ी लग रही है। इसकी परफॉर्मेंस आईपैड से ज़्यादा तगड़ी है भाई। तो भाई अब दोनों ही डिवाइस की होम स्क्रीन पे चल लिया जाए, जरा बात करें दोनों ही की परफॉर्मेंस की तो एकदम कतल परफॉर्मेंस थी भाई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने दी। ये देखो भाई आईपैड के अंदर अभी हो चुके 79% बैटरी और आईफोन एसी के अंदर है 62% बैटरी। छोटी बैटरी भी है भाई तो इस चक्कर में इसकी बैटरी जल्दी ज़्यादा ड्रॉप हुई है, पर आईपैड के अंदर बड़ी बैटरी है पर यार वो बड़ी डिस्प्ले को भी बैटरी सप्लाई करता है, फिर भी यार काफ़ी ज़्यादा सही इसकी बैटरी चलती। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई दोनों में से ओवरऑल आपको कौन सा देखना चाहिए तो भाई डेफिनेटली ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है यार। और भाई सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी कि आप इसको जेब में लेके घूम सकते हो, आईपैड को जेब में लेके नहीं घूम सकते भाई बाहर। तो यार आईफोन ऐसी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्मार्टफोन है भाई, आप ले सकते हो।
बस एक चीज की दिक्कत है, छोटे डिस्प्ले से आपको काम चलाना पड़ेगा। बाकी अगर आपको घर के लिए यूज के लिए चाहिए, जो आप बाहर बाहर नहीं ले जाना चाहते, तो भाई आपको बिल्कुल बिल्कुल आईपैड के साथ जाना चाहिए भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई काफी सारी चीजें यहाँ पे इसमें आसान हो जाती है मेरे लिए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इसके अंदर लूँगा फ्यूजन डाला हुआ, तो एडिटिंग वेडिटिंग सब आईपैड में, तो इसलिए भाई थोड़ा तुम्हारा भाई इंप्रूवमेंट कर रहा है अपनी वीडियोस क्वालिटी में। और आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो एक बार जरूर से बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आई हो, कमाल की लग गई हो, तो भाई लाइक जरूर से कर देना। लाइक करना काफ़ी ज़्यादा लोग भूल जाते हैं। 100K का यार मैंने टारगेट बना रखा है, फटाफट से मेरे को 100K सब्सक्राइबर अपने चैनल के ऊपर कराने। हमें भी भाई अपना सिल्वर प्ले बटन चाहिए, अपना नाम लिखा हुआ, तो यार प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी आज वाला ट्रिक सिर्फ इतना ही, काफ़ी ज़्यादा मजा आया भाई दोनों का कंपेरिजन करने में। वैसे A13 और A12 में काफ़ी ज़्यादा फर्क है भाई, A13 ऑफ कोर्स बेटर है यार, पर A12 बायोनिक में भी काफी ज्यादा तगड़ी गेम चलती है। ऐसा नहीं है कि A12 बायोनिक है तो बेकार गेम चलाएगा, हाँ यार, बट A13 के कंपैरिजन में देखोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा, बाकी फ्रेम ड्रॉप लैग किसी में नहीं है, दोनों ही काफी ज्यादा तगड़े हैं। तो बस यार आज वाली वीडियो सिर्फ इतना ही बताता है मेरे को आपको, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज वाली वीडियो सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।